एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के विद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ एनेक्सी भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर कॉलेज के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की गई है। इसमें सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया गया है कि नकल विहीन परीक्षा करवाया जाएगा और किसी प्रकार का नकल आयोजित करने वाले व्यवस्थापकों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, बोर्ड एग्जाम की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी और शांतिपूर्वक व नकल विहीन परीक्षा करवाया जाएगा। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित जिले के सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, हमारे एसोसिएट व्यास एनपी सिंह जी और सभी हमारे सम्मानित रामचार अभी 199 केंद्र जो हमारे बने हुए हैं, उनके सब केंद्र व्यवस्थापक रामचार और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, ये जो मीटिंग हो रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब की बार जो परीक्षा की जा रही है उसमें पूरी तरह डिस्टर्ब हो रही है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर हो रही है, जिसमें आपको 5 पेपर में आपको पेपर भेजे जाएंगे। एक पेपर के पेपर मुझे अभी मिल चुके हैं और आ जाएंगे, तो मैं आपको जल्दी जल्दी जैसे निर्देश प्राप्त होंगे मैं आपके पास भिजवा दूंगा। कोई ऐसा विद्यालय नहीं होना चाहिए जहां सीसीटीवी कैमरा, राउंडर, वॉइस रिकॉर्डर या सारी सुविधाएं, यानी कि डबल नंबर वाली अलमारी जिसको आपको लिख के भिजा की सारी व्यवस्था हो गई है। हमारी टीम और कुछ अधिकारियों की टीम इसका निरीक्षण लगातार करने जा रही है। अगर इस परीक्षा में कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो वो अच्छा भी होगी, खास तौर से जो हमारे जो आंसर सीट यानी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो भी आपको टाइम टेबल भेज दिया गया है, आपको फर्स्ट फ्लोर में कल तक प्राप्त कर लेनी है और उनकी जो एंट्री आप रजिस्टर करेंगे आपको जितनी उत्तर पुस्तिका मिली है उसमें नंबरिंग है, नंबर लिखा हुआ, अगर बिना नंबर की कोई कॉपी हो तो उसको आप अपने रूप में चढ़ाएंगे नहीं, तो उसको हमारे प्रोफाइल को वापस कर दे तो लिखी को वापस करेंगे और पर डे आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे रजिस्टर के अंदर, क्योंकि आपके जो केंद्र पर जो है उसमें जो व्यवस्था की गई है कि जो नंबर वाइज जो कापियां हैं उनको आप और दूसरा को आपका जो भाई केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक स्टडी मजिस्ट्रेट जो डीएम साहब द्वारा लगाया जाएगा और आपको जैसे कर दिया गया लिखित में कि जो आपका डबल नोट होगा उसकी एक चाबी भाई केंद्र व्यवस्थापक पास जाएगी, एक केंद्र व्यवस्थापक जाएगी और दोनों एक ही रखेंगे और तीसरी स्टेट के द्वारा सील करके अलग से रख दी जाएगी। अगर किसी कारण पर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी भाई के व्यवस्थापक के साथ में या केंद्र व्यवस्थापक के साथ में करते रहेंगे, पूरे 199 केंद्रों की वारंटी वही से होती रहेगी। अगर कहीं भी कोई कमी पाई जाती है, अगर आपका कोई जल जाता है, कोई अकाली दुर्घटना हो जाती है, तत्काल हमारे ईमेल पर हमारे ऑफिस में लिखे रहेगी, क्योंकि यहाँ वारंटी हो रही है। साथ ही स्टेट लेवल पर भी हमारी एशियन मैडम और वहाँ तो कुछ अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अगर होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी और आपसे ही टीमें आपके स्कूल में जाना शुरू कर देगी। कोई ऐसा विद्यालय अगर हो जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे की समस्या हो तो आज ही उसको लिख के दीजिए, उसको सुधरवाइए, लेकिन परीक्षा से पूर्व तक क्योंकि कापियां पहुंचना शुरू हो जाएगी और कापियां पहुंचते ही वहां पर आपको पुलिस की डेथ है तो उसको सीलिंग पेकिंग करना है। अपनी बार एक बोर्ड व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है कि जो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी है वो आपके स्तर से हमारे स्तर से नहीं लगनी है, वो शॉर्ट ड्रिल के माध्यम से लगनी है, उसमें आपके बेसिक के टीचर रहेंगे और आपके माध्यमिक शिक्षक रहेंगे। ये बोर्ड की परीक्षा जो आगामी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की आयोजित होने वाली है उसको लेकर आज समस्त केंद्र व्यवस्थापकों की मीटिंग बुलाई गई है और इसमें हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी प्रकार का नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और किसी भी प्रकार की नकल को प्रायोजित करने वाले या उनको बढ़ावा देने वालों को से सख्ती से निपटेंगे और सीसीटीवी तथा वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा इसकी प्रत्येक कक्षों की मॉनिटरिंग होगी। इसको लेकर हमारी तैयारी चल रही है और पूर्ण हो चुकी है।